हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है आशीष गर्ग और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करेगा। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर बोलूँगा तो गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब आपसे वर्ड अंडरलाइन करके उसका मीनिंग पूछा जाता है सेंटेंस में, कि चाहे वो एंटोनिम हो या सिनोनिम हो, तो भी ये आपको टेक्निक बहुत काम आएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। तो अगर हम कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज की बात करते हैं, हम यूज कब करते हैं? वी यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज ऑल द टाइम, हमेशा हमारे आसपास। जब हमें किसी चीज का रेफरेंस देना होता है, हम वो रेफरेंस लेके ही वी ट्राई एंड यूज द मीनिंग एंड वी ट्राई टू मेक इट यू नो इजियर फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड। सो इफ वी रीड हर, सो वी मेक गेसेस। ऑलराइट, अब हम इसको पढ़ें, अगर लेट्स रीड इट, अगर हम इसको पढ़ें, आई टेल यू अबाउट द करियर दैट आई चोज, इट डेफिनेटली कीप्स मी ऑन माई टोज। I've been practicing since a very young age. Now I travel around and perform on the stage. I'm graceful and pretty, but I'm also real strong. My body is thin, my legs are quite long. So kya hua ye? We're talking about a ballerina. Ballerina. Usme dekhiye, puri ki puri context mein there were a lot of There were a lot of clues through which we were trying to gauge the meaning of the word, है ना, कि क्या word वो हो सकता है। ऐसे ही जैसे for example अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको nocturnal word का मतलब आता है, तो आप शायद कुछ लोग को आता हो, कुछ लोगों को नहीं आता हो, लेकिन इसी को अगर मैं एक sentence के through में आपसे बोलूँ कि nocturnal creatures like bats and owls are active in the dark, then you will see and you will talk that yes, nocturnal creatures क्या होते हैं? Nocturnal creatures वो होते हैं जो रात को जागते हैं, जैसे कि bats और owls, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे जो पीछे अगर आप अभी देख रहे हैं, ये सारे वो clues दे रहा है आपको, और हमारे पास एक एक करके आ रहा है कि that this is a plumber, and here if we talk about that my career is really taking off, but there is more to it than that, right? So इसको जब clues लेके आप देखते हो, so you will find that yes, there is some clue or there are some clues that are there to get the meaning of that particular word. अब some types of कौन से clues होते हैं, जैसे synonym, एक sentence में आपको synonyms दिए गए हो सकते हैं, एक में आपको antonym दिया हो सकता है, एक में उस word की explanation दे रखी होती है कि इसको explain किया हुआ है word के meaning को ही, और दूसरी जगह पे आपको उसके एग्जाम्पल दे रखे होंगे और उस एग्जाम्पल के बेस पे आपको उसका मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे इफ आई टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट क्लूज, ठीक है, कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं, डेफिनेशन, रीस्टेटमेंट, एंटोनिम, कंपैरिजन, इन सब के, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन का देखते हैं, द अननोन वर्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग अ मोर फमिलियर वर्ड और फेज। एक फमिलियर वर्ड या उसी की उस डेफिनेशन से हम उस वर्ड के मीनिंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी। अब आपके सामने ये वर्ड है, अगर आपको इसका मतलब नहीं आता तो हमने आगे क्या लिख दिया, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। व्हाट आर वी गिविंग, वी आर गिविंग यू द डेफिनेशन। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है इस वर्ड का मतलब, बट नाउ यू नो दैट इट इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सिमिलरली आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ prehistoric cultures by excavation of their remains. Now, if you talk about in your RC ka passage also, there could be like this, that ek word ko agar underline karke uska meaning pucha hai, to ho sakta hai ki uske aage piche uski definition unhone de rakhi ho, jisse aap aram se iske word ke meaning ko identify kar sakte hain. Aage chalte hain, theek hai, examples, his emaciation, that is his skeleton like appearance, frightening to see. अब अगर आपसे मैं पूछूं इस वर्ड का मतलब emaciation का, अब emaciation एक वर्ड है जिसका मीनिंग शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो, आपको शायद इसका मतलब नहीं पता हो, but if you read his emaciation, that is his skeleton like appearance. अब skeleton जैसा अगर कोई है, बिल्कुल हड्डी का ढांचा, इसका मतलब thin, बिल्कुल frail, fragile सा, weak सा कोई इंसान होगा, that is what we call as emaciation. Next word अगर हम देखें, the duodenum,
A short-stemmed clay pipe is found in Irish folk tales. Clearly, we can see an explanation here of the meaning of this particular word that is given in the context. And this is how you identify the meaning in your reading comprehension also. And once that meaning is identified, it becomes easier for you to get the meaning through the context. Next one. रीस्टेटमेंट और सिनोनिम, एक ही वर्ड का आपको सिनोनिम भी दे रखा है और उस सिनोनिम से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. जैसे द मीनिंग इज यूजुअली राइट आफ्टर द अनफेमिलियर वर्ड एंड ऑफन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट सेंटेंस विद कॉमास डैशेस पैरेंथेसिस समटाइम्स और दैट इज और इन अदर वर्ड्स इज ऑल्सो यूज. तो कई बार आप देख रहे हैं एक वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड को आपने देखा सेपरेट कर रखा है कॉमा से डैशेस से और उसके बाद उसके सिनोनिम्स दे रखे हैं. जैसे मैन मीट ईटर्स दैट इज कार्निवोर्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. मीट ईटर्स, अब आपसे वर्ड का मतलब पूछा है कार्निवोर्स क्या होता है. अगर आपको नहीं पता कार्निवोर्स क्या है, वहीं उससे पहले मीट ईटर्स दे रखा है विच हैपन्स टू बी अ सिनोनिम और रीस्टेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. और देखते हैं द गॉसलिंग्स, अब गॉसलिंग्स क्या है, दोज फजी बेबी गीज, आगे उन्होंने दे रखा है कि गॉसलिंग्स क्या होते हैं, गॉसलिंग्स होते हैं बेबी गीज. यही वो टेक्निक्स हैं जो आपको अपने आरसी में लगानी है जिसके बेसिस पे यू विल गेट दी आंसर्स. नेक्स्ट, शी इंजॉयड बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग बींग. ये बहुत बारी होता है ऐसा, अगर आप आरसी का पैसेज पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें लिखी होती हैं ऐसी इसी तरीके से, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग बींग. सो उससे आपको पता चल गया ना दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टडी दैट इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स और वो बायोलॉजी का मतलब आपको पता चल गया. आगे चलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल्स, फ्लडेड विद स्पॉटलाइट्स द फोकस ऑफ ऑल अटेंशन द न्यू मिस America began her year-long reign. She was the cynosure of all eyes for the rest of the evening. Ab yahan dekhiye, flooded with spotlights, the focus was all attention. The mountain pass was a tortuous road, winding and twisting like a snake around the trees of the mountainside. Winding and twisting like a snake, that is tortuous. Tortuous क्या होता है, tortuous is tangled, घुमा घुमा के. तो वही उन्होंने चीज का explanation या restatement आपके सामने दिया हुआ है so that you get the meaning of that particular word which will definitely help you to understand the given context as well. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे RC समझ ही नहीं आती है क्योंकि उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, वो वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आता है. बट कहीं ना कहीं उसका क्लू लिखा होता है जिससे आप उस वर्ड के मीनिंग को आइडेंटिफाई करके यू कैन गेट द मीनिंग. ठीक है, आगे चलते हैं. कंपैरिजन, अब कंपैरिजन में अगर आपको दे रखा है जैसे द अनफेमिलियर वर्ड इज शोन टू बी द सेम एज लाइक अनदर वर्ड टू लाइक एज सिमिलर टू, ऐसे शब्द यूज किए होते हैं. जैसे My brother is enthralled by birds, similar to the way that I am fascinated by insects. अब यहाँ पे अगर आपको इस word का मतलब नहीं पता, that my brother is enthralled by birds, कैसे? Similar to the way that I am fascinated. तो जैसे आप fascinated हो, वैसे मैं क्या हूँ? I am enthralled. तो enthralled का मतलब क्या होगा? Fascination. जब किसी से आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएं, उसको हम बोलते हैं enthralled. आगे चलते हैं. ठीक है, कंट्रास्ट एंड एंटोनिम. अभी हमने क्या देखा, का सिनोनिम देखा था, रीस्टेटमेंट देखा था, अब हम देख रहे हैं कंट्रास्ट या एंटोनिम देखते हैं. माइक्स पैरेट वाज लोकेशियस, ठीक है, बट मारिया सेड वेरी लिटिल. तो यहां पे क्या है, बट जब लगा है तो बट इज अ कंजंक्शन. बट एक कंजंक्शन है जो आपको बताता है कंट्रास्ट. तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है लोकेशियस, इसके बाद जब लग गया है बट, तो आगे जो चीज लिखी होगी वो इस वर्ड का ऑपोजिट होगा. तो जब यहां लिखा है वेरी लिटिल, तो लोकेशियस का क्या मतलब होगा, बहुत सारा. बहुत सारा का मतलब क्या है लोकेशियस, कि वो बहुत ज्यादा बातें जो करता है उसको हम बोलते हैं लोकेशियस. तो यहां पर आ गया आपका लोकेशियस, दैट माइक्स पैरेट वॉज लोकेशियस बट मारिया सेड वेरी लिटिल. उसका जो पैरेट था वो बहुत बातें करता था लेकिन मारिया खुद बहुत कम बातें करती थी. आगे चलते हैं.
एग्जाम्पल्स देखते हैं. वेन द लाइट ब्राइटन्स द प्यूपल्स ऑफ द आईज कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर वेन इट ग्रोज डार्कर दे डाइलेट. द चिल्ड्रन वर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट. ही वॉज अ लाइवली कॉन्वर्सेशनलिस्ट बट शी वॉज रिजर्व्ड एंड टैसिटर्न. तो मतलब आप तो बहुत ज्यादा बातें करते थे, यू वर एन आउट गोइंग पर्सनैलिटी, बट शी वॉज अ टैसिटर्न, अ पर्सन हु यूज टू स्पीक लेस, अ पर्सन हु यूज टू स्पीक लेस. ठीक है, सो दैट इज वॉट एंटोनिम्स इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. किसी चीज का एग्जाम्पल ही दे दिया उन्होंने, जैसे द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड डिफरेंट एम्यूलेट्स सच एज अ रैबिट्स फुट एंड बैग्स ऑफ हर्ब्स नियर द एंशिएंट अल्टर. अब रैबिट्स फुट और बैग्स ऑफ हर्ब्स मिला उनको एज एम्यूलेट्स. सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दैट इज द अनफेमिलियर वर्ड इज क्लियर्ड अप बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस सच एज, फॉर एग्जाम्पल मे बी यूज हियर एज सिग्नल्स. ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे piscatorial creatures such as flounder, salmon and trout live in the coldest part of the ocean. ठीक है, ये कैसे चीज है, ये ऐसे creatures हैं जो कहां रहते हैं, coldest part में रहते हैं, उनको हम piscatorial कहते हैं. celestial bodies कैसे, जैसे sun, moon, stars, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उनको हम celestial bodies बोलते हैं. have fascinated man through the centuries. तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे सन, मून, ये सारी की सारी को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं जो हमारे ब्रह्मांड में है. इन द कोर्स ऑफ मैन्स एवोल्यूशन सर्टेन ऑर्गन्स हैव एट्रोफाइड. द अपेंडिक्स फॉर एग्जांपल हैज वेस्टेड अवे फ्रॉम डिसयूज्ड. अगेन यहां पर आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि एट्रोफाइड का मतलब क्या होता है, एट्रोफाइड का मतलब क्या होता है, दैट इज थ्रू एन एग्जाम्पल been told to you and explained to you so that you can utilize this technique in RC. So contextual clues जो होते हैं वो आपको sentence में इसीलिए दिए जाते हैं जिससे आपके लिए comprehension आसान बन जाए. आगे चलते हैं. ठीक है, list या series ही दे दी उन्होंने पूरी. ठीक है, the unfamiliar word is included in a series or related word that give an idea of the word's meaning. जैसे North American predators include grizzly bears, pumas, wolves and foxes. अब उन्होंने predators की एक लिस्ट दे दी कि किस तरीके के predators होते हैं. तो predators क्या हो गया, जो दूसरों को मार के खाते हैं, that is called predators. ठीक है, cause and effect आता है. अब इसमें आपको एक relationship दिया गया है. Due to a dearth of termites, the aardvark starved to death. Dearth क्या होता है, अब एक किसी चीज की कमी की वजह से कुछ हो जाना. ठीक है, या वो मर गए. तो किसी चीज की कमी की वजह से कोई मर गया, तो कमी क्या होता है, कमी इज डर्थ. डर्थ का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज लेस. तो ये क्या हुआ, कॉज, उस कॉज का इफेक्ट, कॉज उसका इफेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो आप वर्ड मीनिंग्स में लगा सकते हैं जिससे आपका वर्ड बेस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा. ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन और इन्फ्लुएंस आ जाता है. द मंकीज वॉसिफेरस चैटर मेड मी विश आई हैड ईयर प्लग्स. अब ईयर प्लग्स की जरूरत कब पड़ती है, ईयर प्लग्स की जरूरत आपको तब पड़ती है जब कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो, बातें कर रहा हो, आपके सर में दर्द हो जाए. तो आप क्या बोलते हो, द मंकीज वॉसिफेरस चैटर मेड मी विश आई हैड ईयर प्लग्स. तो वॉसिफेरस का मतलब क्या होता है, समबडी हु इज वेरी आउटस्पोकन, वेरी वेरी टॉकेटिव, उसको हम बोलते हैं वॉसिफेरस. ठीक है, सो इन्फ्लुएंस क्लूज में ये है, शी टोल्ड हर फ्रेंड आई एम थ्रू विद ब्लाइंड डेट्स फॉरएवर, व्हाट अ डल इवनिंग, आई वाज बोर्ड एवरी मिनट, द कन्वर्सेशन वाज एब्सोल्युटली वेपिड. तो अगर आपसे ये कोई बोल रहा है दैट द कन्वर्सेशन वाज वेपिड, दैट मींस आई वाज बोर्ड एवरी मिनट, मतलब इट वाज वेरी डल, इट वाज वेरी बोरिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इन्फ्लुएंस, द ड्रॉइंग इन्फ्लुएंस बिटवीन द टू. फिर एटमोलॉजी होती है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ. एटमोलॉजी होती है वर्किंग विद द हेल्प ऑफ रूट्स. ये भी आप जितनी जल्दी करेंगे, देन इट हैपेंस दैट वर्ड एटमोलॉजी दैट हेल्प्स यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड विद द हेल्प ऑफ रूट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने रूट याद कर लिया है से बेल, और बेल का मतलब होता है रेबेलियस,
तो आपने वर्ड्स याद कर लिए, बेलिजुरेंट बेलिकोस. आपने करा एम्ब्यूल, एम्ब्यूल का मतलब होता है घूमना, टू वॉक अराउंड, सो एम्ब्यूलेंस एम्ब्यूलेटरी. आपने करा डिक्शन, डिक्शन से आप वर्ड याद कर सकते हो डिक्टम, बेनेडिक्शन मैलेडिक्शन, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं थ्रू रूट्स जो आप याद कर सकते हो. दैट्स अनदर टेक्निक टू गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड आउट. ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, ये आपके पास चार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं. ये चारों क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए या वीडियो को स्टॉप कर लीजिए. वीडियो को स्टॉप करके देखिए इसमें कौन से वर्ड का मीनिंग मैंने आपसे पूछा है, और आपको इन चारों ऑप्शंस में से वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, सो दैट आई विल कम टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट क्लूज. ठीक है, आसानी से. तो ये अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लूज अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो आपको करना है क्या कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे है, इस वक्त स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट गिव मी दी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद एक और है, ये देखिए तीन और ये चार क्वेश्चंस और हैं आपके पास, तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे. अगेन यू कैन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द स्क्रीन सो दैट यू गेट दी answer and you can write it in the comment box. ठीक है, so ये वो contextual vocabulary की पूरी class है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से आप word के meaning का निकाल सकते हैं with the help of this context and the clues given in the text and can get the meaning of the word and can understand the comprehension better. Do this particular thing in the comment box. Do let me know कि कैसा लगा आपको ये. और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं, तो जुड़िए हमारे साथ हमारे पेड बैच में जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से. ठीक है, उसके साथ जाइए, लगाइए कोड Y468S और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपका कर रहा हूं इंतज़ार, जिसमें इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा और लेके चलेंगे आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर. जुड़े रहिए, तब तक लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए. टेक केयर, बाय बाय.